नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगमोहन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतना मूवीज। दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा आपको कि फ़ोटो से बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो मैंने ये फोटोशॉप ओपन कर रखा है, तो इसमें मैं एक फाइल डाल लेता हूँ। सिंपली फाइल डाउनलोड कर रखी, तो मैं एक फाइल ले लेता हूँ इसमें से किसी को भी, जैसे कि ये फाइल है। इसको मैंने लिया और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दिया माउस की सहायता से। तो दोस्तों देखिए, इसमें बैकग्राउंड को मुझे चेंज करना है, कैसे करेंगे ये देखिए। तो दोस्तों, पेन टूल की सहायता ऐसे करते हैं एक तो, और एक ऑटो मोड पर करते हैं। तो मैं आज आपको पेन टूल की सहायता से चेंज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये पेन टूल रहा है, इसको क्लिक करके हमारा पेन टूल सेलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, फोटो को जूम कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसको मार्किंग करते जाते हैं एज पर। जितना जूम करके लेंगे उतनी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी इसमें। सॉफ्ट करना है बिल्कुल हमको काम, टाइम लगता है दोस्तों सीखने में। अगर टाइम नहीं देंगे सीखने के लिए तो वर्क सही से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये देखो, बाल दिख रहे हैं तो इनको भी रखना। इसमें स्मूथनेस देनी है, तो अभी ऐसे सेलेक्ट करते जाएंगे जहाँ पे देखें। अभी ये जो एरिया दिख रहा है इसको बाद में करेंगे हम, अभी तो रैंडमली इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, फोटोशॉप बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मैं बनाऊंगा वीडियो। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ पसंद है, उसी के हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये कर लेते हैं हम सेलेक्ट। लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफी मेहनत होती है इसमें बनाने में। वैसे टाइम तो मैंने आपके लिए रख रखा है, कोई दिक्कत नहीं टाइम की, तो बट सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा। लाइक करने से लगता है कि हमने काम किया है, तो हम कुछ सिखा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई हो तो मुझे सजेस्ट करें, मैं इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये सिलेक्शन है वो क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, अब ये फाइनल सिलेक्शन करने के बाद में और इसको पॉइंट आ जाता है यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। दोस्तों, हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अब इसको कंट्रोल दबा के एंटर दबा देते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है। अभी दोस्तों देखो, ये प्रॉब्लम रह गई है थोड़ी सी। दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम रह गई है थोड़ी सी। यहाँ पे जो ये दिख रहा है, इसको अपन इसमें ये टूल है लेसो, तो इसको क्लिक करके और हमको इसको जूम कर लेना है थोड़ा सा, और शिफ्ट की सहायता से कर्सर को ऐसे घुमाते हैं, ये सेलेक्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आउट हो गया है, तो अल्ट दबाते हुए इसको ऐसे घुमा देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें फैदर डाल देता हूँ। तो इसमें फैदर डालने के लिए मैं CC 2021 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें शिफ्ट के साथ F6 दबाते हैं तो फैदर आ जाता है। वैसे दूसरा तरीका भी है, यहाँ से निकाल सकते हैं क्लियर से। तो इसमें 0.2 फैदर रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ये हमारा सेलेक्ट हो गया है पिक्चर। तो अभी मुझको किसी और बैकग्राउंड में इसको डालना है, जैसे कि मैं बैकग्राउंड ये ले लेता हूँ, ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। अभी ये यहाँ से या तो Ctrl+C दबा के कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे, नहीं फिर
इसमें से डायरेक्ट इस टूल को दबा के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, ये इसमें चला जाएगा। तो दोस्तों देखो कितनी आसानी से ये चेंज हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इसको हम सेव कर लेंगे कंट्रोल अल्ट एस के साथ। तो मुझे इसका नाम दे देना है। आप चाहें तो इसको PhD में भी कर सकते हैं, जिससे कि आगे चल के कोई एडिटिंग वगैरह करनी हो तो वो आसानी से कर सकें। तो मैं इसको JPG में कर लेता हूँ। इसका नाम दे देते हैं गर्ल, लिख देता हूँ मैं इसको 0। दोस्तों देखो ये इसमें थोड़ा सा ये करेक्शन और करना है मुझे। क्यों? तो इसमें ये है ना, मैं पहले बता रहा था आपको कि बाल रह गए थोड़े से, तो अभी इसमें इरेजर टूल का यूज़ करके, ये इरेजर टूल है इसका यूज़ करके इसकी शॉर्पनेस को कर लेते हैं, ग्लो को कम कर लेते हैं और ओपेसिटी को कम कर लेते हैं थोड़ा सा, करीब करीब 40 के आसपास। तो दोस्तों अब इसको ऐसे घुमाते हैं इस पर, तो इसमें पीछे वाला लुक आ जाएगा, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो आराम से दिख जाएगा, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, अच्छा लगेगा फोटो देखने में। बाकी बहुत तरीके होते हैं, आप बताएं कमेंट करेंगे तो मैं फिर भी वीडियो बना दूँगा ऑटोमेटिक कैसे फोटो को बैकग्राउंड से हटाते हैं या फिर बैकग्राउंड सेलेक्ट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड को डिलीट कैसे करते हैं। ये हो गया दोस्तों, तो अब इसको फाइनली सेव कर लेते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो मिल जाएं, और उसके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।